बीती रात इंदौरा तथा फतेहपुर में चला सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्यास नदी में फंसे 55 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा के इंदौरा व फतेहपुर उपमंडलों में गंडारा, बहादुरपुर, रियाली तथा म्यानी में ब्यास नदी में फंसे लोगों को भारी मशक्कत के साथ रात भर 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। विधायक मलेंद्र राज ने SDM सुरेंद्र ठाकुर तथा DSP विशाल वर्मा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से अंत तक वहीं डटे रहे। उपायुक्त एवं जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सोमवार रात्रि 9 बजे के करीब ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण गंडारा तथा म्यानी में 55 के करीब लोगों के फंसे होने की सूचना जिला कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई। इस दौरान SDM DSP की देखरेख में स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया गया तथा NDRF को भी सूचित किया गया। NDRF द्वारा रात्रि लगभग 10:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया गया तथा यह ऑपरेशन सुबह 5 बजे तक चला, जिसमें सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने रात भर चले सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDM DSP सहित उनकी टीम तथा NDRF के प्रयासों की सराहना की है। DC निपुण जिंदल ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भारी बारिश में किसी भी स्तर पर जान माल का नुकसान होने पर फौरी राहत प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाएं तथा पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाएं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें और डर पैदा करने वाली ऐसी किसी भी बात को बिना उसकी सत्यता जाने आगे साझा ना करें। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय पंचायत प्रधान, सचिव, पटवारी को तुरंत सूचित करें या जिला आपदा प्रबंधन उपायुक्त कांगड़ा के नंबर 1077 तथा मोबाइल नंबर 7650991077 पर संपर्क करें।